वंदे मातरम मित्रों, मैं आदेश कुमार महतो वैदिक मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने के क्रम में इसे सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वैदिक गणित का संक्षिप्त परिचय, इसका प्रेरणा मुझे कहाँ से मिला है, इसको हमारे सामने प्रस्तुत करने वाला कौन है, प्लस वैदिक गणित हमें क्यों जानना और सीखना चाहिए, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले इसका प्रेरणा मुझे कहाँ से मिला है इसके लिए ये वीडियो देखिए। नाम आपने सुना है वैदिक गणित के सूत्र, सत्रह सूत्र है। इन सूत्रों को जो सीख लेगा वो गणित का इतना बड़ा पंडित हो जाएगा कि कैलकुलेटर से ज्यादा तेज कैलकुलेशन वो कर पाएगा। कुछ भारतवासी सारी दुनिया में अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं गणित का। एक बहन जी है, एक माता जी है, नाम नहीं लेना चाहता उनका, आप सब समझ जाएंगे एक मिनट में। वो पूरी दुनिया में प्रवास करती हैं और बड़े बड़े शो करती हैं, लाखों रुपए उस शो के वो लेती हैं। एक एक व्यक्ति उस शो में जाए तो हजारों रुपए की टिकट खरीदता है, डॉलर्स में खरीदता है। और वो माता जी सबको यही बताती हैं गणित के सूत्र, और चमत्कारिक तरीके से बताती है। 10 अंक का कुछ संख्या लिख दो और 10 अंक की एक संख्या लिख दो, दोनों का गुणा कर दो, कैलकुलेटर जितनी देर में बताएगा वो माताजी उसके पहले बता देती है, और लाखों डॉलर बरसते हैं उनके ऊपर। वो कुछ भी नहीं है, वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र है, कोई सीख लेगा तो वो बता देगा, उसमें कौन सी खास बात है। और उनके बारे में अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन आता है, जिनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है, जिनके गणित की गणनाएं कंप्यूटर से ज्यादा तेज है, ऐसी माताजी का व्याख्यान सुनने आइए या दर्शन करने आइए। मैं सोचता हूं कि ऐसी तो सभी माताएं हो सकती है, सभी बहनें हो सकती है, सभी भाई हो सकते हैं, बस वैदिक गणित के वो 17 सूत्र सीखने की देर है। और वो सूत्र अगर आपको सीखने हो तो पुस्तकें उसकी बाजार में उपलब्ध हैं। मेरी आपको एक विनम्र प्रार्थना है, वो ये कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो सूत्र जरूर सिखा दीजिए, गणित उनको रोचक हो जाएगा। हमारे देश के बच्चों को गणित में ही सबसे ज्यादा बोरियत आती है, क्योंकि आज जो हम गणित सीखते और सिखाते हैं वो अंग्रेजों के तरीके से सीखते हैं और अंग्रेजों के तरीके से सिखाते हैं, उसमें रस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो वैदिक गणित लिखा गया है इसको सीखने में इतना रस है कि आप 90 साल के भी हो जाएं तो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे 15-17 साल के बच्चे सीखते हैं। हमारे भारत में शिक्षा के बारे में जो सबसे गहरी बात है कि शिक्षा को रसपूर्ण बना के सिखाना, हंसते हंसते सिखा देना, खेलते खेलते सिखा देना, गाना गाते गाते सिखा देना, गीत गाते गाते सिखा देना, दुनिया में कहीं नहीं है ये। तो वैदिक गणित के सूत्रों को आप सीखें बहुत अच्छा हो, नहीं तो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, उनसे आप आसानी से कर सकते हैं। और मेरा तो कहना है कि आप सीखकर दूसरों को सिखाने का अभियान चला सकते हैं। कम से कम ये जो तिलिस्म बना हुआ है 2-3 लोगों के नाम पर कि वो गणना करते हैं कंप्यूटर से ज्यादा तेज, मैं चाहता हूं भारत स्वाभिमान का हर कार्यकर्ता, वो भाई हो या बहन, कंप्यूटर से तेज गणना कर सकता है अगर वैदिक गणित के ये सूत्र सीखे। तो श्री राजीव दीक्षित के व्याख्यान से प्रेरित होकर इसे जानने और सीखने की उत्सुकता हुई और 2015-16 के दौरान इसके गहन अध्ययन के पश्चात अभी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो वैदिक गणित क्या है इसका परिचय हम लोग देख लेते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जो गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा में शंकराचार्य थे, जन्म वेंकट रमन शास्त्री उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में हुआ। एकेडमिक रिकॉर्ड के बहुत बड़े धनी थे। उन्होंने 6 सब्जेक्ट संस्कृत, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलोसफी, मैथमेटिक्स और साइंस में मास्टर डिग्री किए थे और वैदिक मैथमेटिक्स के देन के लिए एज ए फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। एक लाइन में बोला जाए कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या है तो द सीक्रेट ऑफ हाई स्पीड मेंटल कंप्यूटेशन। आप देख सकते हैं विकिपीडिया में वैदिक पुस्तक है और इसमें देख सकते हैं कि देश भारत, भाषा हिंदी, विषय मानसिक गणना है
और प्रकाशन तिथि 1965 है। तो भारत का विषय के बारे में भारत के व्यक्तियों को पता ना हो ये तो कदाचित अनुचित है, ये तो नहीं होना चाहिए। वैदिक गणित जो 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों का संग्रह है अथर्ववेद से लिया गया है। ये 16 सूत्र संस्कृत में हैं, जिसका सरल भाषा में अनुरूप करके मैं बताने वाला हूँ। ये 16 सूत्र क्या है एक बार देख लेते हैं। एकाधिकेन पूर्वेन निखिलम नवत सचरम दशत ऊर्ध त्रियाभ्याम परावर्त योज्यते शून्यम साम्य समुच्चय शून्यमत संकलनाभ्याम कलनाभ्याम पूर्णा पूर्णाभ्याम चलन कलनाभ्याम यावदूनम वैष्टि समष्टि शेषांकेन चेयरमैन सोपान द्विचयनम एक न्यून पूर्वेन गुणित समुच्चय गुणक समुच्चय। योग आयुर्वेद के साथ ही वैदिक गणित जो भारत ने पूरे विश्व को दिया है, विदेशों में बड़े बड़े सेमिनार लगते हैं और हमारे ही ट्रिक को अपनाकर वो मिरेकल दिखाते हैं और हम ही आश्चर्य होते हैं, वाह। भारत का विश्व को देन में भारत ही पीछे रह जाए ये तो नहीं होना चाहिए। आप अपने ही आसपास रैंडमली कोई भी 10 लड़का उठा लीजिए, इनमें से एक दो लड़का यदि वैदिक गणित के बारे में कुछ जानता होगा तो, नहीं तो 8 से 9 लड़का इसका नाम तक नहीं सुना होगा। जबकि हमारे आसपास मैथ्स के जितने ट्रिक हम देख रहे हैं सबका उत्पत्ति वैदिक गणित है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल वैदिक गणित को मेंटल मैथ्स के एक सब्जेक्ट के रूप में स्कूल में पढ़ाते हैं। हर क्लास के लिए लेवल अलग अलग रहता है। इवन दिल्ली के स्कूल में भी वैदिक गणित सब्जेक्ट के रूप में सिलेबस में है। इसी उद्देश्य से कि ये सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे, इसके बारे में सब जाने और इसका लाभ ले, इसी उद्देश्य से वैदिक मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस को सरल भाषा में समझाने का और बताने का प्रयास करूंगा। तो इस सफर में हमें आपका साथ चाहिए और आप अपना साथ मुझे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। आपका रिस्पॉन्स ही हमको पढ़ाने का और इस चीज़ को बता